नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ ये मेहंदी वाला मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी, अगर आप लोग किसी की मेहंदी फंक्शन में जाते हो और आपको पता है मेहंदी फंक्शन तो रात को ही होता है, तो रात को मेहंदी फंक्शन में अगर आप लोग किसी के घर जाते हैं या फिर आपका कोई खास रिलेटिव है जिसके घर आप मेहंदी फंक्शन में जाते हो, तो आप लोग इस तरीके से रेडी हो सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डिफरेंट सा लुक दिया है, मतलब आप लोग थोड़ी देर में वीडियो के एंड में देख सकते हो। मैंने ज्वेलरी वगैरह थोड़ा वेयर कर ली थी, आप लोग चाहें तो नहीं करें, बट मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने किया। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि किस तरीके से अगर आप लोग किसी के मेहंदी में जाते हो तो किस तरीके से रेडी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे टोनर यूज़ किया है। आप लोग कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो प्रोडक्ट आप यूज़ करो या फिर जो आप कर रहे हैं यूज़ वो मेरे पास हो। तो आप लोगों ने सबसे पहले टोनर का यहाँ पे यूज़ करना है, उसके बाद आप लोगों ने सीरम ले लेना है। कोई भी सीरम आप लोग ले सकते हैं, मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप लोग गुड वाइब्स के ही सीरम लें क्योंकि मुझे पर्सनली गुड वाइब्स के सीरम काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो सीरम आप लोगों ने ले लेना है क्योंकि आपको पता है विंटर आ चुके हैं और विंटर में थोड़ा सा हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, चाहे ऑयली वाले हो उनकी स्किन ड्राई होती ही होती है। मैं खुद ऑयली स्किन वाली हूँ तो मेरी स्किन आजकल इतनी ड्राई हो चुकी है कि क्या बोलूँ मैं आपको। तो इसलिए हमें सीरम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोग विंटर में मेकअप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं हल्का सा प्राइमर लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही प्राइमर लूँगी। ये देखो मेरी कैमरे की जो लाइट है उसका थोड़ा सा इश्यू हो गया तो मैं उसे सेट करने में लग गई हूँ। मैं प्राइमर को अपने फेस पे अप्लाई कर दूंगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है गाइस ये वॉइस ओवर करना क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता है। मुझे जैसे मैं मेकअप वीडियो कर रही हूँ या फिर ऐसे शूट कर रही हूँ तो मुझे उसी टाइम बोलना अच्छा लगता है, ये वॉइस ओवर करना मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हर चीज़ को सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो चलो क्या करें, अब यहाँ पे मैंने प्राइमर को अच्छे से अपने फेस पे सेट कर लिया है। प्राइमर सेट करने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एंड कंसीलर। तो यहाँ पे मैंने ये कंसीलर ले लिया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं इसे जहाँ पे मेरे को ये डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, आपको पता है मेरी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है, तो वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। और अब मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही इसे अच्छे से सेट कर दूंगी। आप लोगों को थोड़ा सा नॉइस भी आ रही होगी, जैसे कि आप लोग मेरे ब्लॉग देख ही रहे होंगे, आपको पता है घर में काम चल रहा है तो इससे थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। सो कंसीलर मेरा सेट हो चुका है, अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लूज़ पाउडर। उस पाउडर को भी मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, बस थोड़ा थोड़ा अपनी आंखों के नीचे लगा दूँगी हल्का हल्का क्योंकि मुझे अभी आई मेकअप करना है, तो इसलिए मैं नीचे पहले लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। तो अभी सबसे पहले आईब्रो सेट करने का टाइम है तो आईब्रो सेट करूँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो पेंसिल ले ली है और इससे अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर दूँगी। वैसे मैं कई दिनों से पार्लर भी नहीं गई हूँ तो थोड़ी सी मेरी आईब्रो आपको हैवी दिख रही होंगी। सो आईब्रो सेट हो चुकी हैं, अब बारी आती है आई मेकअप की। तो यहाँ पे मैं ये शिवाना आई शेडो पैलेट है, शिवाना का आई शेडो पैलेट को यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है बट थोड़ा सा सॉफ्ट और शाइनी मेकअप करना है मुझे, मतलब आई मेकअप सॉफ्ट और शाइनी करना है। तो देखते हैं कौन सा कलर मैं पिक करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लाइट बेबी पिंक कलर चूज़ कर लिया है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैंने ड्रेस ऑलरेडी पिंक कलर की पहनी है। तो अभी मैं बेस बनाने के लिए, अपने आई बेस बनाने के लिए यहाँ पर लाइट पिंक कलर चूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से अपने आई पे स्मच कर दूंगी। सो आप लोग देख सकते हैं कलर मेरे आई पे आ चुका है, आपको शायद से ज़्यादा नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि मैंने जैसे बता दिया थोड़ा सा पता नहीं कैमरे में क्या हो गया था कि लाइट आप लोग देख सकते हैं कभी तेज और कभी कम हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब मैं दूसरा कलर चूज़ कर रही हूँ, ये हल्का ब्लू कलर मैंने चूज़ किया हुआ है क्योंकि जो मेरी ड्रेस है उसमें हल्का लाइट ब्लू कलर भी है, तो इसलिए मैंने हल्का सा ब्लू कलर इसमें चूज़ किया है ताकि मैं अपने आई कॉर्नर पे, पीछे साइड से आई कॉर्नर पे इसे अप्लाई कर सकूं। अभी मैं ये ग्लिटर अपने आई पे अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का ग्लिटर ले लिया है जो कि आप लोग वर्क देख सकते हैं मेरे ड्रेस में, पूरा वर्क अभी आपको दिखेगा नहीं बट जब मैं फुल आपको लुक दिखाऊंगी अभी बाद में उसमें आपको पता चल जाएगा मेरी ड्रेस किस तरीके की है। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन ग्लिटर है उसे अपने आई लिड पे अच्छे से अप्लाई कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था ज़्यादा हैवी आई मेकअप नहीं करना है, बहुत ही कम करा है, बस थोड़ा सा
क्योंकि रात के टाइम में ही मेहंदी फंक्शन होता है, तो उस टाइम में थोड़ा सा मतलब जैसे हमारी आई मेकअप ना थोड़ा सा डिफरेंट लगे, इसलिए मैंने ग्लिटर यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने ये जो गोल्डन सिमरी कलर है इसे मैं अपने नीचे आँखों के नीचे से अप्लाई करूंगी, ताकि थोड़ा सा और मेरी जो आँखें का मतलब आई मेकअप है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे। वैसे भी आपको पता है मैं काजल बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, तो थोड़ा सा अपने आई मेकअप को एक अच्छा सा लुक देने के लिए मैं यहाँ पे नीचे से शिमरी वाला कलर होता है जो गोल्डन का, वो अप्लाई कर रही हूँ। और इसे ही मैं आई कॉर्नर पर लगाऊंगी एज ए हाईलाइटर। बारी आती है मस्कारे की, यहाँ पे मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आईलाइनर। तो जो ये आईलाइनर है ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का इसलिए है क्योंकि मेरे ड्रेस में जैसे मैंने आपको बता दिया है हल्का सा ब्लू बॉर्डर है, मतलब ब्लू का है कॉम्बिनेशन उसमें कुछ, तो ब्लू कलर का मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ। सो आई मेकअप कंप्लीट, और जो तो आप लोग देख सकते हैं लाइनर भी मेरा लग चुका है। और अभी बारी आती है मेकअप, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फाउंडेशन। ये लिक्विड फाउंडेशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और अपनी फिंगर की हेल्प से ही इसे मैं सेट कर दूंगी। जैसे मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का बिल्कुल भी अभी यूज नहीं कर रही हूँ। सो देख सकते हैं आप लोग फाउंडेशन क्या कमाल कर देता है लेडीजों के चेहरे पे, एकदम से इतना गोरा बना दिया है। तो अभी इसे अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प लूंगी और इसे अच्छे से सेट कर दूंगी ताकि क्रीज लाइन ना पड़े। सो फाउंडेशन लग चुका है, अब बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की। कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अपने मेकअप को सेट कर दूंगी। कॉम्पैक्ट पाउडर भी लग चुका है, अब बारी आती है ब्लशर की, क्योंकि ब्लशर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं हल्का हल्का ही ब्लशर अपने चिक पे लगाऊंगी। सो ब्लशर भी लग चुका है और अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर यहाँ पे मैं यूज़ करूंगी, क्योंकि जैसे आपको मैंने काफ़ी मेकअप वीडियो में बताया कि मुझे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हाइलाइटर को भी मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी ताकि जो मेरा मेकअप है उसमें चार चांद लग जाए। सो अभी मेकअप कंप्लीट हो चुका है, अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मैंने पिंक शेड का ही लिपस्टिक यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जैसे। सो यहाँ पे मैं अपनी बिंदी अप्लाई करूँगी, क्योंकि बिंदी के बिना तो कुछ मेकअप का लुक ही नहीं आता है। तो फाइनली मैं अब आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मेरा मेकअप लुक। तो दोस्तों फाइनली आप लोग मेरा लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मेरा लुक क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल स्लोवर। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, बहुत ही कम मेकअप किया है और थोड़ा सा मैंने अपने बाल मैसे किए हुए हैं ताकि अगर हम किसी की मेहंदी में जाते हैं तो इस तरीके से जा सकते। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि मैं कुछ ज्वेलरी ऐड करूँगी इस लुक में, तो मैंने आप लोग देख सकते हैं ये टीका लगाया हुआ है माथे पे टीका, और गले में ये बड़ा सा मंगलसूत्र मैंने डाला हुआ है। आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस तरीके से अपना लुक क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप लोग भी गाइस किसी की मेहंदी में जाते हैं तो इस तरीके से सिंपल शोवर लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप लोग भी किसी की मेहंदी में जाते हो तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये मेकअप लुक आप लोगों को मेरा काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो मिलूंगी बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।